नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उन्नीस सरोज आई नजर डालता आज की कुछ खास खबरों पर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 बाघों की मौत के बाद एक बाघिन और की 23 की मौत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सावन का महीना बाघ संरक्षण के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। टाइगर रिजर्व में अब तक बाघों की 3 मौतों के बाद पार्क की एक और उम्रदराज बाघिन की 23 मौत के मुहाने पर है। 2002 में जन्मी यह बाघिन पार्क को अब तक 9 बाघ दे चुकी है। बाघों की औसतन उम्र 14 वर्ष होती है, लेकिन 17 वर्ष की अधिकतम उम्र पार करने के बाद यह बाघिन अब पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है, जिसे पार्क प्रबंधक बठान इनक्लोजर में रखकर देखरेख और आवश्यक उपचार किया जा रहा है। भविष्य अभी देखा जाए तो ये एक मैं अब तक की सबसे ज्यादा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर है, जिसको हमने वाइल्ड से रेस्क्यू करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये लगभग 17 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसमें वर्तमान में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, परंतु एक अवस्था ही इसकी एक बीमारी है, जिसके कारण इसके ये सारे लक्षण प्रदर्शित होती हैं। थोड़ा सा 4-5-7 कदम चलने के बाद ये बैठ जाती है, किसी एक स्थान पर बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहती है और शांत रहती है ज़्यादातर। इसको हम लोगों ने अपने बांधवगढ़ के रिकॉर्ड से मिलाया, इसके स्ट्राइप पैटर्न से तो पता चला कि ये बांधवगढ़ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर्स T23 है। रिकॉर्ड के अनुसार इसका जन्म 2002 में हुआ था। अभी वर्तमान में इसकी स्थिति यह है कि इसके सारे के सारे कैनाइंस वगैरह शेड ऑफ हो चुके हैं, नेल्स भी झड़ चुके हैं। शिकार करने में इसको बहुत दिक्कत आती है, जिंदा मुर्गा ही खाती है, बाकी अगर हम कुछ काट के देते हैं तो नहीं खाती। ये इसका एक टिपिकल वाइल्ड बिहेवियर है। वर्तमान में इसके स्वास्थ्य पर सतत मेरे द्वारा निगरानी रखी जा रही है, समय समय पर वरिष्ठ वन प्राणी चिकित्सकों के द्वारा भी इसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। रोज ही जाके उसका हालचाल लेते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि उसकी जो अवस्था भी चल रही है वो सुधरे और कुछ दिन और वो जिंदा रहे। हमारे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की एक बड़ी उपलब्धि होगी और अब उसका स्थिति तो जैसे काफ़ी नाजुक है, उसके दांत ख़त्म हो चुके हैं, नाखून ख़त्म हो चुके हैं। अब उसका उम्र के हिसाब से उसमें दिनों दिनों छीण होती जा रही है, लेकिन फिर भी उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, उसका विशेष उपचार किया जा रहा है। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।